आरएस यूनानी फार्मेसी, गुर्दे पित्त में पथरी दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब, भादुरपुरा एक्स रोड, 9390610436 पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़, सच को रखे आपके आगे। सैयद नगर 2 के पहाड़ पर रहने वाले गरीबों को हिरासा किया जा रहा है। अब यहां पर नाम फिरोज खान एंड टीम का आ रहा है। अगर ये हकीकत में इन गरीबों को हिरासा कर रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी का नाम अगर ये बदनाम कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। इन गरीबों को घर से बेघर करना क्या अच्छी बात है? अब ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ गवर्नमेंट के लोगों को ले जाकर सर्वे किया जा रहा है। फिर और क्या मुतालबा किया जा रहा है इन गरीबों से, जरा आप खुद सुनिए वहां के रहने वालों की जुबानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या आते भी है फेरोज भाई तुम्हारा, आके ये नखरे कर रहे सो? हाँ, जब देखो जब ये वो ये करते जा रहे तुम्हारे लोगों को भिजा के यहाँ पर वीडियो कहीं खुली है, और यहाँ पर क्या बोल के तोड़ो फोड़ो क्या आते भी है? गरीबों को जीने देते नहीं देते? हाँ, आवाम को अच्छा करते अच्छा करते अच्छा करते पर क्या अच्छा करे? हाथ हाथ बगे हाथ बता दे रहे पूरा, वो रेवेंडर रेड्डी रहने दो, तुम रहने दो, आना रहे यहाँ पर आके हम लोग को मुसीबत में डाल दे रहे। आखिर क्या चाह रहे तुम? तुम्हारे 2000 रुपये भी नको, तुम्हारा 500 रुपया गैस भी नको, कुछ भी नको, मगो सब कट कर दो, तुम सीधा रहो, सुने जैसा चल रहा वैसे चलने दो। तोड़म ताड़ी क्या से आ रहे यहाँ पर? वो कौन अशु है और एक आजम है शायद, तीन चार यहाँ ऊपर है, तो छिल्ले का ने कमान का ने क्या बोल के आ रही है? तो ये तोड़ो हैड्रा हैड्रा है बोल के बोल रहे, और फेरोज खान भी जाए बोल के बोल रहे। तो कोई गवर्नमेंट के लोग आए थे और पूरा देखे करे? दो जने आए, हाँ दो जने आए थे। गवर्नमेंट के कोई लोगों को बुलाए बोल के दो आदमियों को ले के आए थे भाई, लाके इधर तीन आदमियों को लाके सर्वे करा रहे बोल के बोले, जैसा आप यहाँ पे लेडीज बोल रहे हैं कि पूरे गरीब लोग आ रहे थे। ये कांग्रेस के लोगों आके थोड़े जो लोकल लीडर है वो और दूसरे चैनलों को लेके आके बोल रहे हैं कि ये आर्मी की जमीन है, वो है, ये जो है कम से कम जो है 40 साल पुरानी, इसके जो ओनर्स है बतुल बेगम है, इनके जो शौहर का नाम है गुलाम सुबानी साहब है, उन्होंने प्लाटिंग कर इसका केस ऑलरेडी शेखपेट मंडल में RDO के पास में भी है और आर्मी केस में भी है, ऑलरेडी केस जीते हुए इसको, अरे पैसा डाल के गरीबान लिए और इनको जो है परेशान कर दे रहे हैं, और आर्मी को भी जाके बोल रहे कि यह घर नहीं बना देना ये लोगों को, आर्मी लैंड है बोल के, जबकि ये बतुल बेगम की लैंड है, बतुल बेगम बकाया आया था, उनके शोर भी बकाया आया था ये, और इसको बोल रहे हैं 3 एकड़ चिल्लर गुंडे, इसको बोल रहे 12 एकड़ हकीमपेट तक के ये गवर्नमेंट लैंड है बोल के बोल रहे, तो ये क्या तमाशा है लोगों का? खाली खड़ी करी ऐसे हरकता कर रहे, चोरी छुपी आके हॉलीडे के दिन आके जो है सर्वे कर, मैं जब इंक्वायरी करा ऑफिसर तो हम बोले हमारे तरफ से कोई इंक्वायरी ऑफिसर नहीं आया, हैड्रा वालों से पूछा, टाउन प्लानिंग ऑफिसर से पूछा, मंडल रेवेन्यू ऑफिसर से पूछा, अभी भी मैं मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाके आया तो नहीं, ऐसा कोई हमारे तरफ से कोई प्रपोजल नहीं आए, वो तो सैयद नगर सलम है और सलम एरिया हम कैसे आ सकते हैं भाई, कोई नाला नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई वो नहीं है, इस वजह से लोगों जो है कि पट्टा लेने, और आज इसको जो है माहौल खराब, 2002 तक में इसका ऑलरेडी केस चल रहा, सबको चंद्रकला मैडम RDO उनको भी मालूम है इस चीज़ का, आगे सर्वे करे पूरा, और कलेक्टर साहब भी आके ये को सर्वे करके गए, मिंट्री से निकाल होगा, मिंट्री ने अपनी बाउंड्री हटा ली, ये लोगों बस वो ये चाह रहे कि भाई ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट हमारी आई ना कैसा भी इसको बरगला के लोगों को बरगला के हाथ कर लेना जमीन को, और बोल रहे कि हमारे को भी दो तुम्हारे को भी दो, ये जो पैसे जो डाल के जो लिए सर वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या हाल होगा? देख रहे हैं पहले हैदराबाद का हालात क्या हो रहा, तो मुकाम में लोग रह के ये ऐसी हरकत कर दो कैसा है, गवर्नमेंट को जो है तुम बोल रहे हैं एक मैसेज दे रहे कि जमीन को जो है हैदराबाद में ले हो और ये गैर कानूनी कब्जा है, और आइंदा से इधर आना नहीं, इधर आने की कोशिश भी नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट जो है मिलिट्री की जमीन थी, ये मिलिट्री की जमीन पे पुराने टाइम पे क्या है पूरे गरीब लोग हैं यहाँ पे, दिए जो है स्लम एरिया है, यहाँ पे घरा बना के जो है पहले से 25-30 साल से रह रहे लोग, 40 साल से सैयद नगर का डेड एंड एरिया है, जो मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री एरिया से मशहूर है, शहीदी मस्जिद यहाँ पर है, यहाँ से 30 साल पहले से अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 साल पहले से जो है लोग यहाँ पर मौजूद है, इन लोगों के पास लाइट बिल नल का बिल है, राशन कार्ड है, इनके रजिस्ट्रिया है, पट्टा है, सब कुछ है, फिर भी आके क्या है प्रॉपर्टी टैक्स भी बन रहे, फिर भी आके तकलीफ दे रहे भाई, गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट कर रहे, मैं उनसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इंक्रोचमेंट कौन कर रहे,
वो आदमियों का नामा बोलो, हमला खुद उनसे बात करते हैं। इंक्रोचमेंट गरीब लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, यहाँ के 30-30, 40-40 साल गुजार दिए वो लोग, और ये लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ना बोले तो इन लोगों के घुटनों में दर्द हो जाता। इतनी तकलीफ में 35 साल, 30 साल, 40 साल से लोग रह रहे, यहाँ के खाली पीली तकलीफ दी जा रही। भाई इन लोगों के लिए तकलीफ मत दियो बराए मेहरबानी। अब जैसे हमारी एक बहन यहाँ पे बोले फेरोज खान वहाँ से भिजा रहे बोल के बोल रहे, ये कांग्रेस के कंटेस्टेड एमएलए है जो हारे हुए एमएलए, उन्होंने भिजा रहे बोल के बोले, और यहाँ पे आके उनके लोग क्या है सर्वे करा रहे, हम बोल के हमला नहीं थे, कोई भी नहीं थे, वो खाली टाइम पे आके जो है ऊपर जा रहे, वहाँ पे टैंकी करने जा रहे। टैंकी से हम और क्या करना है, वाटर टैंकर से, वाटर टैंकर का एरिया अपनी जगह है, वो खाली पीले गलत फहमी वहाँ पे ये डाल रहे के वाटर टैंकर का एरिया इंक्रोच कर रहे बोल के, गवर्नमेंट लैंड इंक्रोच कर रहे बोल के। ये मिलिट्री एरिया है, केस जीते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल पहले, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे पूरा जो है कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी करे हुआ है, वो जो ओपन प्लाट 25 साल 30 साल पहले लेके रखे थे वो लोग, थोड़े थोड़े पैसे जो है मजदूरी के प्याज वाले जो है और डेली वेज लेबर है उन लोग थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ऊपर बनाने की कोशिश कर, वो लोग लेडीज बोले के भाई कोई आके उनको पैसे मंग रहे थे, अगर आप लोग नहीं चाह रहे यहाँ पे होना तो हमारे को इतना रैनसम दियो, इतने पैसे दियो, हम नहीं आते यहाँ पे दूसरी वक्त बोल के बोल रहे थे। वो लेडीज को किसके सामने बोले मैं तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लेडीज बोले थे ऐसा कि भाई ऐसा मंग रहे हो ना आके, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जो भी आके ऐसा है वो कांग्रेस के लोग ही आए थे यहाँ पे, गवर्नमेंट के साथ आए थे, दो तीन आदमी के साथ वहाँ के कांग्रेस के लोग भी आए वहाँ ऊपर जो रहते। हाँ 2 अक्टूबर को, और एक अच्छी बात बोले आप, 2 अक्टूबर के दिन जहाँ पे सब्जन गांधी जयंती मना रहे वो लोग लेके इधर आ गए, ऑफिसर है बोल रहे हम लोग यहाँ पे कोशिश करे, हमने मंडल में आरडीओ में मालूम करे तो हमला किसी को भिजाई नहीं बोल के बोल रहे, हमारे यशु भाई फोन करके पूछे। ये डॉक्यूमेंट जो है, जो 3 एकड़ 22 कुंटे जो जमीन है बुतुल बेगम की है, वाइफ ऑफ गुलाम सुबहानी साहब की, ऑलरेडी केस जीते, इसका जो आरडीओ के अंदर भी रिकॉर्ड मौजूद है, सर्वे नंबर 31/1, सर्वे नंबर 31/2, सर्वे नंबर 31/3 ऑलरेडी सेफमेंट मंडल कलेक्टर ऑफिस में रिकॉर्ड है, ऑलरेडी केस जीते, इसके अंदर में पूरे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है केस के, और ऑलरेडी मिलिट्री से इसका केस जीते हुए पूरा पानीपत पानी में भी नाम है इनका। बुजुल बेगम जो है गरीबों को जो है कम रेट में जो है जमीन दी, छोटे मोटे ऑटो वाले प्याजाम वाले इनको जमीन बेच के जो है कब्जे में दी, ऑलरेडी उनका रिकॉर्ड है मेरे पास, ये देख लीजिए पानीपत में ना, ये लोग जो बोल रहे हैं झूठे लोगों के 12 एकड़ जमीन है, ये केस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है पूरी। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज़।